मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज सुबह सुबह इतनी तेज बारिश हो रही है, मतलब सुबह क्या, मतलब रात से ही बारिश हो रही है। सुबह के लगभग 5:30-6 का टाइम हो रहा है और बारिश इतनी हो रही है कि पेड़ों की तो देखो, पेड़ वेड़ यहाँ वहाँ हो गए सारे, बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो बारिश बहुत भयंकर टाइप की हो रही है, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, मज़ा आ रहा है। बारिश हो गई है ना, अब थोड़ी ठंडक हो जाएगी। मैंने अपने ना उसको गमले यहाँ उठा के रख दिए हैं, अब इनको इसलिए रखे थे किसी कारण से, तो अब मैं इनको नीचे रख दूँगी वहाँ से। और यहाँ गंदगी हो गई है सारे में, पानी पानी हो गई मैं। और सुबह सुबह देखो, सब लोग हमारे यहाँ विश्राम तो करते ही हैं, पता ही आप लोगों को। 6:15 हो चुके हैं, तो सुबह सुबह सुप्रभात में आप लोगों का स्वागत है हमारे यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लग रही हो सोनिया तुम सुबह सुबह। क्या खाना बना रही है मम्मी? मम्मी छोटो छोले भटूरे बना रही है। खड़ी चावल। और इनको पता नहीं कि किसने सिखाया इनको खड़ी चावल। और हम गिटार बजाएंगे। अरे अरे कुछ भी होता है यार, मैं आपको गंदा नहीं समझता हूँ। मैं को बोलना मत गंदा। बहुत टाइम लगेगा, ऐसे इस पर रखो और फिर ऐसे घिसना शुरू करो, ऐसे ऐसे नहीं छूटेगी नेल पेंट। हाँ ऐसे, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम कराते हो। छूट गई, अभी अच्छे से घिसो ना। हे गाइस, बिस्कुट खा रहे हैं। अब दूसरा वाला रुक जाओ, अभी वाले होंगे। तुम तो उसको दबा दे रहे हो, उसका सारा रस ही निकाल दे रहे हो। रसवा निकाल के ना तुम मुंह में डाल दीजिए। पापा तुम अच्छे से फिनिशिंग से काम कर नहीं रहे हो। बहुत अच्छा, पापा ने वास्तव में छुड़ा दिया। अब ये वाली मैं अपने एक हाथ में तो अपने आप कर लेती हूँ, दूसरे हाथ का मेरे से नहीं होता है। अब ये वाला और ना दूसरे हाथ में ये राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से, मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेफ्ट साइड से काम नहीं कर पाती हूँ। तो लेफ्ट ने हाथ से नेल पेंट भी लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, वो यहाँ वहाँ फैल हो जाती है। हाँ पापा को तुमने ट्रेन फोन किया है। पापा आप अच्छे से कर नहीं रहे हो। पापा रोइए निकाल के दांत में लगा दीजिए। ये देखो पापा ने मेरे नेल पेंट छुड़ाई है ऐसे। अब लाओ अपना छुड़ा लो,
ये जो काला काला नाखून रखा छूट जाएगा। नहीं ये नहीं होता। अरे छूट जाएगा, बढ़िया छूट जाएगा। और आज रिकॉर्डिंग कर रहा है डुग्गू। हाँ मेरा कैमरा मैन है डुग्गू आज। ये चलो पापा चलो ना, ये जो सीमेंट वीमेंट वहाँ पे नहीं उठाए थे, सीमेंट वीमेंट बालू वालू छाने थे, ये उसी से हो गया है पापा। देखो तो सही मम्मी को, मम्मी खा, मम्मी दूध पीती है, जब छोटी थी ऐसी दूध पीती थी। आज कैमरा मैन डुग्गू, कैमरा मैन डुग्गू के साथ और ये नाना क्या करे नाना। पापा भी अपने नेल पेंट से वो छुड़ा रहे हैं। बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल तो हो ही रखा है, और पापा जो है ऑफिस चले गए। मैंने बनाया था कढ़ी चावल और पराठे जो आपने देखा, आज वही लेके गए हैं पापा। और ऑफिस और दिवाकर आज छुट्टी पे हैं, बताऊंगी क्यों क्यों छुट्टी पे हैं। पहले ये देखो मेरे घर का हाल, ये पानी पता नहीं कहाँ से गिरता है, पानी देखने ये ऊपर किनारे से पानी गिर रहा है और इसने पूरे में पानी पानी कर दिया, यहाँ से बिल्कुल वहाँ तक नीचे तक पानी पानी, इतना कीचड़ कर रखा है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पानी गिरा हुआ है, पानी ऊपर से गिर रहा है और ये इसने बड़ा बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पे बहुत फिसल इतना संभल के चलना पड़ता है, तो फिसल जाएंगे तो बहुत चोट लग जाएगी, तो ये दिक्कत है। और मैं जा रही हूँ एक पोस्ट ऑफिस, एक क्या अपने हमारे नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है वहाँ जा रही हूँ मैं, बिकॉज़ कि मेरा एक कोरियर आने वाला था ऋषिकेश से, अभी तक पहुँचा नहीं है, 6-7 दिन हो चुके हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार, रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे उस कोरियर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी तक मेरे को मिला नहीं है कोरियर। एक बार पोस्ट ऑफिस जाके देख लें, लेकिन रोडों का हाल बड़ा हुआ हाल रखा है, तो ये भी एक दिक्कत है, लेकिन जाना तो है ही। चलो कहाँ जा रहे हो? मांस खाना है मेरे को। और क्या खाना है? और कुछ नहीं, और चाउमीन खाना है। चाउमीन खाना है? मोमोज भी चाउमीन भी। अरे मोमोज और चाउमीन बच्चे नहीं खाते हैं। उसके मम्मी पापा तो खाते हैं। किसके मम्मी पापा? बच्चे के। आप बच्चे थे ना, आप बड़े हो गए हो। मैं तो अभी से अभी मैं बड़ा नहीं हूँ। मुझे शारदा ज्वेलर्स लिखा हुआ है। आपका फोन ना गिरेगा। ओ, ज्यादा पानी है। ये शहर तो डूब जाएगी। ज्यादा पानी कहाँ से आ गया? वहाँ जाना है, जाओ तुम्हें देख के। सो कुरियर तो मेरा, खैर अभी एसी की आवाज बंद कर देती हूँ, रुक जाओ। हाँ तो कुरियर तो खैर मेरा अभी नहीं आया, होप सो कि कल तक आ जाए, नहीं तो मैं रक्षाबंधन पे क्या करूँगी मुझे नहीं पता। क्योंकि उसी कुरियर में मेरे कपड़े आने हैं और मैं सोच रही थी रक्षाबंधन पहनने के लिए। आज दिवाकर घर पे हैं क्योंकि उनको अमन को लेने जाना है। आज अमन, हाँ आज अमन जो है वो घर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा और उसको लेने जाना है, तो इसलिए आज दिवाकर घर पे हैं। हम भी जाएंगे, दुग्गू भी जाएगा। हाँ और राखी के लिए नहीं आएगा अमन, की राखी के लिए आएगा, राखी नहीं बांधती हूँ मैं अमन को, ना सिब्बू को रक्षाबंधन हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, तो
तो पापा क्या मतलब हमारे यहाँ से, मेरा मतलब हमारे यहाँ से मेरा मतलब है कि पापा के यहाँ रक्षाबंधन तो होता नहीं है, राखी होती नहीं है, तो इसलिए इसके बाद कम कर लो, रुको रुको ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसको फ़ोन दिया गया अभी। हाँ तो राखी तो बांधी नहीं जाएगी अमन को, लेकिन अब अपना बच्चा त्योहार का दिन है तो अपने घर रहे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए अमन को घर लेके आएंगे और मैं राखी बांधूंगी संदीप सोनू भाई वगैरह को, संदीप तो शायद जा रहा है ससुराल, तो सोनू भाई को, ठीक है। तो राखी ब्रदर्स मेरे वही लोग हैं इस टाइम के, मतलब अब उन्हीं को बांधती हूँ मैं, कहीं और किसी को नहीं बांधती, मैं भी बांधूंगा, और मेरे दिल के क्लोज भी बहुत ज़्यादा वही लोग, तो डेफिनेटली मैं राखी बांधने वहीं जाऊँगी और अमन को नहीं बांधना है, तो मुझे अभी उसकी भी तैयारी करनी है, अमन आ जाएगा तो एक अलग सा माहौल हो जाएगा घर का बढ़िया सा, ऐसे ऐसे करके फिर, और मुझे भूख लग रही है हमें, और घर सुंदर हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा सुंदर। अच्छा तो अभी मुझे बेडशीट धोने में डालनी है, बहुत सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, उनको सुखा भी दिए हैं मतलब फैला भी दिए हैं और सूखने वाले हैं, और दिवाकर जी यहाँ पे मेहनत का काम करते हुए बना रहे हैं डुगू के लिए मैगी, क्योंकि डुगू को आज पापा अच्छी बनाते हैं, मम्मी तीखी बनाती है, तो खाना है। और कपड़े देखो, कपड़े यहाँ पे हो रहे हैं और मैं लगा के गई थी कपड़े, ये भी धुल रहे हैं और अभी नीचे पड़े हुए हैं ये धुलने हैं, और जो मैंने चादर दिखाई है आपको वो धुलना है, तो अभी ये सब काम करना है, उसके बाद दिवाकर जाएंगे अमन को लेने के लिए, तो बस यही सब चल रहा है। और ये था मेरा छोटू सा अपडेट वाला व्लॉग, होप सो गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरी नेल पेंट मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का व्लॉग, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियोज़ को भी शेयर कर दिया करो, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ स्टाइलिश ब्लाउज कलेक्शन लेके आ रही हूँ, और साड़ी का हॉल भी लेके आऊँगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, लव यू एंड मिस यू एंड बाय करती हूँ, बाय कर दो, बाय बाय डुगु, धमकी मेरे और दिवाकर जी के लिए थी, आजकल बहुत धमकी दे रहे हैं ये, सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।